कोरोना संकट के बीच भी सुविधा देने में लगी महावितरण अधिकारी कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो पा रहा है तो वहां बिजली सुचारू रूप से चालू होने के कारण ही संभव हो पा रहा है। ऐसे में दिन रात महावितरण कर्मचारी अधिकारी लोगों को सुविधा देने में दिन रात एक कर रहे हैं। कोरोना महामारी में देश भर के साथ महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में अत्यावश्यक चीजें चालू है, जिसमें से पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग के साथ ही महावितरण का भारी योगदान है। हालांकि यह बात और है कि महावितरण के योद्धाओं को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जबकि सबसे बड़ा कार्य यही कर रहे हैं। अचलपुर विभाग अंतर्गत आने वाले सिटी वन उप विभाग में आने वाले आसेगांव विद्युत केंद्र पर जरा खराबी होने पर महावितरण के दुरुस्ती विभाग की टीम आसेगांव के सहायक अभियंता वैभव सोनार इनके मार्गदर्शन पर उपकेंद्र पहुंच गई। मात्र एक घंटे में महावितरण यंत्र के चालक नितिन वाटा ने ब्रिजेश शेकुकार की मदद से दुरुस्ती कर इस मीटर को फिर से सुचारू किया गया। इस महामारी के दौर में महावितरण कंपनी का जबरदस्त योगदान चल रहा है। वही महावितरण के कर्मचारी अधिकारी योद्धा के रूप में हर संभव प्रयास कर रहे हैं किसी को भी कोई बिजली की समस्या उत्पन्न ना हो। हाल ही में अमरावती जिले के साथ ही अचलपुर, परतवाड़ा, धरणी, चिखलधरा, अंजनगांव, दरियापुर में भारी हवा तूफान आने के कारण कई पोल जमींदोज हो गए। मात्र कुछ घंटों में ही जबरदस्त नेटवर्क के कारण महावितरण ने पूरी दुरुस्ती कर लाइन सुचारू कर ली। अचलपुर विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपक आघाव व सिटी वन उप विभाग के उप कार्यकारी अभियंता जयंत घाटी इनके मार्गदर्शन में शहर व ग्रामीण के महावितरण के कर्मचारी दिन रात एक कर संकट की घड़ी में भी अपने उपभोक्ताओं को सुविधाजनक बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। कोरोना के योद्धा के रूप में महावितरण के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। 3.15 जो आपला रोहित्रा आहे, याच्यातलं ऑइल कमी झाल्यामुळे मेंटेनन्सची टीम आलेली आहे आणि एवढ्या कोरोनासारख्या प्रादुर्भावाच्या याच्यातसुद्धा काम चालू आहे आणि मेंटेनन्स टीम अचलपूरहून आलेली आहे। वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशानुसार आणि निर्देशानुसार काम चालू आहे। मागे 2-3 दिवसापूर्वी वादळ वारा आणि पावसामुळे बरंच मेंटेनन्सचं काम निघालेलं असल्यामुळे काम चालू आहे। कोरोनासारख्या वैश्विक महामारीमध्ये सुद्धा महावितरणचे कर्मचारी अधिकारी अतिशय जीव तोडून काम करत आहे। ग्राहकांना सुद्धा आवाहन आहे की त्यांनी सुद्धा थोडा संयम बाळगावा। तक्रार दुरुस्त होण्यास थोडा वेळ लागू शकतो, परंतु महावितरण आपल्या परीने प्रयत्न करत आहे। आसेगाव वितरण केंद्रसुद्धा आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहे आणि वीज पुरवठा ग्राहकांना कसा वेळोवेळी देता येईल, चांगला आणि सुरळीत वीज पुरवठा कसा देता येईल याच्यासाठी प्रयत्नशील आहे। प्रत्येक वीज ग्राहकांना या माध्यमातून आवाहन करत आहे की त्यांनी आपले वीज बिल ऑनलाईन वीज बिलाच्या माध्यमातून भरणा करावा आणि महावितरणला सहकार्य करावे, जेणेकरून महावितरण जे आपल्याला अखंडित वीज पुरवठा आणि सेवा देत आहे त्याचं कुठेतरी हे होऊ शकतं आणि वीज बिलाचा भरणा हा सुरळीत करावा, जेणेकरून महावितरणचा गाळा हा व्यवस्थितरित्या चालू शकतो। V24 तास के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन, अचलपूर।